दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने मेहनत लगन और प्रतिभा के बलबूते वर्ष 2012 में 338वें रैंक से आज वर्तमान में फर्स्ट रैंक तक का शानदार सफर तय किया है। जी हां दोस्तों, बात कर रहा हूं इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के नंबर वन बैडमिंटन प्लेयर श्रीकांत किदाम्बी की। 25 साल के लड़के ने पिछले साल 2 सप्ताह के अंदर वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर सॉन वान हो को 2-2 बार हराया। इसके साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में उसने चीन के ओलंपिक चैंपियन चैन लोंग को धूल चिटा दी। जैसे सब देखते हैं सपने, वैसे उसने भी एक सपना देखा था वर्ल्ड चैंपियन बनने का। दोस्तों केवल वो जो अदृश्य को भी देख समझ और महसूस कर सकता है वो ही नामुमकिन को मुमकिन करने का हौसला रखता है। अपने छोटे से करियर में 25 वर्षीय किदाम्बी के नाम सुपर सीरीज और ग्रैंड प्रिक्स जैसे खिताब हैं। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार श्रीकांत किदाम्बी बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर वन खिलाड़ी बन गए हैं। किसान के परिवार में जन्मे किदाम्बी का पूरा नाम श्रीकांत नम्बलवार किदाम्बी है, जिनका जन्म गुटरू में 7 फरवरी 1993 को हुआ था। कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी चीज में इंटरेस्ट लेकर पैदा नहीं होता, वो यहीं आकर बनता है। श्रीकांत किदम्बी के बड़े भाई पुलेला गोपीचंद की एकेडमी में बैडमिंटन की ट्रेनिंग ले रहे थे। उस समय श्रीकांत किदम्बी कुछ काम नहीं करते थे जिस कारण उनके माता पिता काफी चिंतित रहते थे। श्रीकांत के पिता ने गोपीचंद से बात की और अपने छोटे बेटे को बैडमिंटन की ट्रेनिंग देने की गुहार लगाई। उसके बाद श्रीकांत को धीरे धीरे खेल में इतना इंटरेस्ट आने लगा कि खाना पीना और सोना बैडमिंटन के साथ ही होने लगा। दोस्तों हार्डवर्क सक्सेस की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन ये बात भी सत्य है कि कोई भी सक्सेस बिना हार्डवर्क किए नहीं मिलता। ट्रेनिंग की शुरुआत हुई डबल खिलाड़ी के रूप में, लेकिन 1-2 मैच में ही कोच ने इस लड़के के बेजोड़ हुनर को भांप लिया। गोपीचंद की राय पर वर्ष 2011 में बैडमिंटन सिंगल्स पर फोकस किया, जो कि उनके लाइफ में सब कुछ बदल कर रख दिया। श्रीकांत ने नेशनल सर्किट 2013 पर धमाकेदार एंट्री की जब उसने देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप को ऑल इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में हराया। इसके बाद इंटरनेशनल सर्किट पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी और सिर्फ 21 साल की उम्र में चीन के 2 बार के ओलंपिक चैंपियन को हराकर वो सुपर सीरीज प्रीमियर बैडमिंटन टाइटल जीतने वाले पहले इंडियन प्लेयर बने और इसी के साथ चीन में पहली बार भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजवाई, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वो कहते हैं ना कि पॉसिबल और इम्पॉसिबल के बीच का डिफरेंस तुम्हारे ही दिमाग के अंदर होता है। खुद के ऊपर विश्वास और कड़ी मेहनत से उसका वर्ल्ड रैंकिंग धीरे धीरे लेकिन लगातार ऊपर बढ़ते रहा और वो 5th पोजीशन पर पहुंच गया। दोस्तों 410 किलोमीटर पर आवर की चौंका देने वाली शटल स्पीड का रिकॉर्ड श्रीकांत के नाम है। इतने स्पीड से हमारे सामने से कुछ निकल जाए तो दिखाई तक ना दे। किदाम्बी पिछले साल भी 4 सुपर सीरीज जीतकर नंबर वन के करीब पहुंच गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चोट लगने के कारण वो टॉप पर नहीं पहुंच पाए। जब वो अपने कैरियर के शीर्ष पर थे तब एक ऐसा वक्त भी आया जब दोस्तों उन्हें दिमागी बुखार से जूझना पड़ा, लेकिन वो भी इस लड़के के मजबूत इरादों को डगमगा ना सका। दोस्तों जब आप दूसरों से बेहतर बनने के बजाय खुद से अपने बीते हुए कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हो, फिर आपके लिए जीत या हार कोई ज्यादा मायने नहीं रखते। वर्ष 2015 में वो लगातार कोशिश करते रहा जिस कारण उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 3rd पर आ गई। इसी साल उसे बैडमिंटन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2 नवंबर 2017 को वर्ल्ड में 2nd नंबर पर और 2018 आते आते 1st पोजीशन पर हक जमा लिया। दोस्तों इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 25 साल के छोटी सी उम्र में वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए जाना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक गर्व की बात है। दोस्तों आशा करता हूं आपको बैडमिंटन के सुपरस्टार श्रीकांत किदाम्बी की मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही महान हस्तियों की मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।